जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं टॉप 3 डिफेंस अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक देखें। जानते हैं तीसरी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है ईरान और अमेरिका के बीच से। अमेरिका ने ईरान पे पहले ही प्रतिबंध लगाए हुए थे, लेकिन अब और ज्यादा दबाव बनाते हुए जो अमेरिका है इराक में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा ताकि ईरान पे ज्यादा दबाव बनाया जा सके। लास्ट ईयर जो अमेरिका की ईरान से डील हुई थी न्यूक्लियर डील, उससे अमेरिका हट गया था। और इसी को देखते हुए अमेरिका का कहना है कि जो ईरान है वो लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और जो इसराइल है उसका भी कहना है। इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो इराक में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि ईरान पे पूरी तरीके से नजर रखी जा सके, और अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करता है तो उससे पहले भी अमेरिका को इस बात की जानकारी मिल जाएगी। तो इन दोनों के जो अमेरिका और ईरान के जो रिश्ते हैं इन दिनों बहुत ही ज्यादा तल्ख चल रहे हैं। जानते हैं दूसरी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इसरो की तरफ से। इसरो कल अपना GSAT-31 जो कि कम्युनिकेशन उपग्रह उसको लॉन्च करेगा, और इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रेंच गुआना से, और इसके लॉन्च करने में मदद ली जाएगी जो फ्रेंच रॉकेट है एरियन 5। और इसको लॉन्च होने जाने के बाद जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और जो हमारी टेलीविजन है इंटरनेट है उनकी स्पीड या उनका जो भी है बेटर क्वालिटी आने लग जाएगी। तो हम अभी से इसरो को कल के जो मिशन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। जानते हैं पहली डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना की एक साइंस एकेडमी ने एक ऐसी लेजर गन डेवलप की है जिसका नाम है ZKZM-500। इस जो लेजर गन की खास बात यह है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके टिश्यू को ये जला देती है और जो ह्यूमन बीइंग है उसको मार सकती है, और इसकी रेंज भी काफी अच्छी है 800 मीटर के करीब, और इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है जिसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। अगर एक बार रिचार्ज कर ले इस गन को तो इसमें 1000 बार इसे फायर कर सकती है जो भी इसके अंदर राउंड होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होती है इससे दुश्मन को दिखती नहीं है कि कहां से इसका फायर किया गया। तो ये काफी बड़ी बात है कि चाइना ने कितना बड़ा एडवांसमेंट हासिल कर लिया है, और उस एकेडमी का कहना है इसको मास प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है और इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसको सबसे पहले वो चाइना की जो पुलिस है उसको दिया जाएगा जो कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में लगी हुई है, और हो सकता है कि ये बाद में चाइना को के बाद ये पाकिस्तान को भी दे दी जाए, और पाकिस्तान की आर्मी पे अगर ये आ गई तो जो हमारी LOC है उस पर काफी ज्यादा तबाही मचा सकती है पाकिस्तान की सेना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।